जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी एक वीर योद्धा की सच्ची कहानी आपको बताएंगे जो इंडियन एयरफोर्स से इकलौते ऑफिसर बने जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 26 साल की उम्र में जिन्होंने इस देश के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र जीता, उनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। शुरू से शुरू करते हैं। 17 जुलाई 1945 पंजाब के लुधियाना में एक सिख जाट फैमिली में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही आसमान को चूमने का अदम्य इच्छा को लेकर के कठिन परिश्रम और निष्ठा से इस देश के हिफाजत के लिए उन्होंने 4 जून 1967 को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। अपने सर्विस के मात्र 4 साल के बाद 1971 को इंडो पाक में भयानक युद्ध शुरू हुआ। उस भयानक युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह साहब 18 स्क्वाडन में थे। इस स्क्वाडन को इंडियन एयरफोर्स में द फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। दिन था 14 दिसंबर 1971। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 फाइटर प्लेन श्रीनगर एयरबेस पर एक साथ में हमला बोल देते हैं। ऐसी भयानक गोलीबारी में सिंह साहब अपनी जान की परवाह न करते हुए रोल करते हुए नेड की ओर पहुंचे और उड़ान भरने के समय रनवे पे बॉम्ब गिरने के बावजूद अद्भुत उड़ान कौशल से उन्होंने उड़ान भरी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर से 6 विमान थे और जब वो हवाई रास्ते से उन विमानों से लड़ रहे थे तब उन्होंने उत्कृष्ट युद्ध कौशल से दुश्मनों के एक विमान को निशाना बनाया और डायरेक्ट हिट किया। डायरेक्ट हिट करते ही दुश्मन के एक विमान गिर गए और अपनी गोलियों से उन्होंने नॉनस्टॉप फायरिंग करते हुए एक दूसरे विमान पर आग लगा दी। फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 बचे हुए विमानों ने उनके नेट विमान को घेर लिया। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स से सिंह साहब को इंस्ट्रक्शन मिला पीछे हटने का, लैंड करवाने का, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाकी 4 विमानों के साथ भी भिड़ गए। अदम्य साहस से कई समय तक वो 4 विमानों से लड़ते रहे, लेकिन अंत में जब उनके जहाज पर डायरेक्ट हिट हुआ तब वो अपने जहाज से अपना कंट्रोल खो दिए और नीचे गिरते रहे। नीचे उतरते वक्त वो अपनी सीट को इजेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के वजह से वो हो नहीं पाया और वो प्लेन के साथ में ही नीचे गिर गए। पहाड़ी इलाकों पर गिरने की वजह से उनकी बॉडी तक नहीं मिली। उनका परिवार इस भयानक दर्द से पत्थर बन गए। सिखों की फैमिली का एक ऐसा बंदा जिन्होंने आज तक इंडियन एयरफोर्स के परमवीर चक्र विजेता वाले इकलौते पर्सनल बने। सिंह साहब से पहले और सिंह साहब के बाद भी आज तक इंडियन एयरफोर्स में किसी को भी परमवीर चक्र नहीं मिला। मात्र 26 साल की उम्र में इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम खुद के लहू से लिखा है। साहस और वीरता की इस तरह की कहानी लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस देश की सेनाओं के अद्भुत वीरता की सच्ची कहानी आगे सुनने के लिए एयर डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।